हाय एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगी डिटॉल मैंथॉल कूल डिसइनफेक्टेंट लिक्विड के बारे में। ये मल्टीपर्पज़ लिक्विड है फॉर पर्सनल एंड होम हाइजीन, और ये 100% श्योर यहाँ लिखा हुआ है। दैट मीन्स आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हैं कि ये हर चीज़ जहाँ भी आप इसे यूज़ करेंगे उसको टोटली डिसइनफेक्ट कर देगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कलर आप देख रहे हैं इस तरीके का कलर है। यहाँ मेंशन है कि आप कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे नहाने में यूज़ कर सकते हैं, शेविंग में यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ड्री डिसइनफेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन एंड बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये अमाउंट भी लिखा हुआ है कि आप कितना अमाउंट लेकर के इन चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये बॉटल 500 ml की है और इसका प्राइस है 193 rupees। इसकी शेल्फ लाइफ है 1 साल 4 से 5 महीने। ये खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत देर तक तो स्टे नहीं करती है, लेकिन जब आप इसे यूज करेंगे तो काफी रिफ्रेशिंग लगेगा जहां भी आप इसे यूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है डिटॉल डिसइनफेक्टेंट लिक्विड इज अ मॉडर्न मल्टीपर्पज हाइजीन लिक्विड विद द कूलिंग सेंसेशन ऑफ मैंथॉल। इट इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू मीट अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस एंड गिव्स यू एंड योर फैमिली द ट्रस्टेड डिटॉल प्रोटेक्शन एवरी डे। अब हम बात करेंगे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में। बेंजल कोनियम क्लोराइड एंटीसेप्टिक डिसइनफेक्टेंट एंटीबैक्टीरियल है। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आई इरिटेशन, ड्राई आईज, कॉर्नियल सरफेस पे इरिटेशन हो सकता है। यह आपकी स्किन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इरिटेट कर सकता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एक ह्यूमेक्टेंट है, इट प्रिवेंट्स स्किन फ्रॉम ड्राइंग, ये सेफ है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डिसइनफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, एंटीबैक्टीरियल है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं इचिंग, ड्राइनेस, रैश, रेडनेस इफ यू यूज इट कॉन्स्टेंटली। ये लेकिन ये हर केस में नहीं है, हर किसी को ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। डाइसोडियम एडिटेट एक चिलेटिंग एजेंट है, वाटर की हार्डनेस को कम करता है। मैंथॉल एंटीबैक्टीरियल होता है, रिफ्रेशिंग होता है और ये सेफ है। बेंजोफिनॉन 4 परफ्यूम है, ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज के डिजनरेशन से और एयर एक्सपोजर से। सोडियम बाइकार्बोनेट फंगीसाइड है, डिसइनफेक्टेंट है, ऑडर टैकल करता है यानी कि स्मेल को टैकल करता है, बैड स्मेल को, और ग्राइम को डिसॉल्व करता है, एब्रेसिव की तरह यूज होता है। एसिड ब्लू 1 एक डाई है। कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि स्किन इरिटेशन, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। वायलेट 2 ये भी डाई है, इससे भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि रेडनेस, इरिटेशन, स्वेलिंग, पेन। तो इस तरीके के साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे डिटॉल मैंने यूज किया हुआ है, जो ओरिजिनल डिटॉल है उससे भी स्किन हार्ड हो जाती है, स्किन टैंड हो जाती है, बर्न होती है। इसको भी आप स्किन पे ज़्यादा यूज़ ना करें, नॉन लिविंग चीज़ों पे यूज़ करें, डिसइनफेक्ट करने के लिए, सरफेस को डिसइनफेक्ट करने के लिए यूज़ करें। स्किन पर कम से कम लगाएं, यही कहूँगी मैं, और अगर लगाते भी हैं तो उसके बाद पानी से उस सरफेस को साफ़ कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये स्किन को बर्न करती हैं और डेड सेल प्रोड्यूस करती हैं बहुत ज़्यादा। मैंने लिक्विड पानी में डाला, पानी में जाकर के कलरलेस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।